तो अगर आप बिजी अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका का तीसरा वनडे मुकाबला, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों नए कप्तान डेविड मिलर बनकर आए साउथ अफ्रीका के, और ये तीसरे नए कप्तान थे लेकिन ये टॉस नहीं जीत पाए क्योंकि शिखर धवन ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना, जिसके चलते साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। उतरते ही साउथ अफ्रीका को पहला झटका दिया इस तरीके से, दोस्तों क्विंटन डीकॉक बाहर जाती हुई गेंद को खेल बैठे वाशिंगटन सुंदर की, और पीछे खड़े थे इस तरीके से फील्डर जिन्होंने शानदार कैच पकड़ी। आवेश खान ने कैच पकड़ी, 6 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते डीकॉक आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद फंस कर रह गए रीजा हेनरिक्स। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद चानिमन मलान भी इस तरीके से कैच दे बैठे सामने की तरफ मारकर शॉट। सिराज की गेंद पर 15 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते चानिमन मलान भी इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद रीजा हेनरिक्स भी पुल शॉट खेल बैठे, सिराज की इस गेंद पर गेंद गई सीधा फील्डर के हाथों में इस तरीके से। दोस्तों आप सभी को बता दें सिराज के दूसरे शिकार बने रीजा हेनरिक्स, 3 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद विकेटों का पतंग जारी रहा, एडम माकरम शहबाज अहमद की इस गेंद पर स्टंपिंग आउट होकर रह गए। एडम माकरम भी 9 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते आउट हुए, लेकिन उनके बाद सबसे बड़ी विकेट मिली डेविड मिलर के रूप में वाशिंगटन सुंदर को, जिस तरीके से क्लीन बोल्ड होकर रह गए। अंदर आती हुई गेंद को मिलर पढ़ नहीं पाए, कप्तान मिलर 7 रन बनाकर सुंदर के हाथों बोल्ड हुए। दोस्तों उनके बाद इस तरह से फिलेक वायु भी कुलदीप यादव की गेंद को पढ़ नहीं पाए और हो गए बोल्ड। दोस्तों फिलेक वायु भी 5 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद बड़े बल्लेबाज हेनरिक क्लासन आउट हुए, इस तरह से बोल्ड होकर रह गए। हेनरिक क्लासन भी इस मुकाबले में 34 रन बनाकर शहबाज अहमद की गेंद पर 42 गेंदों का सामना करते क्लीन बोल्ड हुए। यहां से पूरी ढह कर रह गई साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों उनके बाद अगले बल्लेबाज आउट हुए वैन पार्टोन, 201 रन बनाकर फॉर्ट्यून भी आउट हो गए LBW। उनके बाद नॉर्थिया भी मात्र 1 रन बनाकर कुलदीप यादव के हाथों LBW आउट हो गए। दोस्तों नॉर्थिया भी मात्र 0 रन बनाकर इस मुकाबले में LBW आउट हुए। आखिरी विकेट बची थी जेंसन की, 3 विकेट हो चुके थे कुलदीप यादव के, तभी चौथी विकेट निकाली कुलदीप यादव ने मार्को जेंसन को इस गेंद पर ललचाया। मार्को जेंसन ने बड़ा शॉट खेला और बाउंड्री पर फील्डर ने शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते 4 विकेट निकाले कुलदीप यादव ने, 4 ओवर डालकर 2 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने, 2 सिराज ने, 2 शहबाज अहमद ने, जिसके चलते मात्र 99 रन पर साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया भारतीय टीम ने। जी हां दोस्तों, एक ओडीआई मुकाबले में मात्र 27 ओवर में ही 99 रन पर साउथ अफ्रीका को भारतीय टीम ने ऑल आउट कर रख दिया। मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को मात्र 100 रन लगाने थे, जो काफी आसान बात थी। ऐसे में टारगेट का पीछा करने थी भारतीय टीम की शुरुआत हद से ज्यादा बेहतरीन दिलाई शुभमन गिल ने, जहां शुरुआत के ओवर में इन्होंने चौके से भारतीय टीम को शुरुआत दिलाई। दूसरे रन से शिखर धवन भी अच्छी पारी खेल रहे थे, तभी जेंसन की इस गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में दूसरे रन से रन आउट हुए शिखर धवन। दोस्तों शिखर धवन इस मुकाबले में 8 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते मार्को जेंसन और क्विंटन डीकॉक के हाथों रन आउट हुए, लेकिन उसके बाद आए ईशान किशन। दोस्तों आप सभी को बता दें दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी हो रही थी और शुभमन गिल पूरी तरह से सेट हो चुके थे, जिसके चलते भारतीय टीम को एक आसान जीत मिली तीसरे वनडे मुकाबले में। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार जीत मिली, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस सीरीज को भी समाप्त कर लिया है। 2-1 से भारतीय टीम सीरीज की विजेता बन चुकी है। दोस्तों आप साउथ अफ्रीका और भारत की सीरीज को और भारतीय टीम की शानदार सीरीज जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दे जाएं। दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत का प्रैक्टिस मुकाबला हुआ था। दोस्तों इसमें इंडिया की टीम और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम शामिल थी। दोस्तों ये मुकाबला खेला गया था WACA ग्राउंड पर्थ के मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के कप्तान थे, एक मुकाबले के रोहित शर्मा कप्तान थे, दूसरे के एस्टन टर्नर कप्तान थे। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम। आइए भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन रोहित शर्मा इस मुकाबले में 3 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद ऋषभ पंत भी 9 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। तीसरे नंबर पर आए थे दीपक हुड्डा विराट कोहली की जगह, क्योंकि विराट कोहली शामिल नहीं थे, लेकिन ये भी 22 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों इनके पास सूर्य कुमार यादव ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मात्र 35 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी खेलकर सूर्य कुमार यादव अर्धशतक लगाकर आउट होकर रह गए। दोस्तों इनके बाद हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या ने भी 27 रन लगाए 20 गेंदों का सामना करते आउट हुए। फिनिशर दिनेश कार्तिक ने खराब बल्लेबाजी की, 23 गेंदों का सामना करते मात्र 19 रन लगाकर काफी खराब बल्लेबाजी की। उनके बाद आए अक्षर पटेल, ये भी 10 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद अक्षर पटेल ने 5 रन लगाए, जिसके चलते 158 रन लगा भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 159 रन लगाने थे। आइए भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात कर लेते हैं और देखते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने इतना रन चेस पूरा किया। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर डाले, 15 रन दिए सिर्फ और 2 बड़े विकेट निकाले। उनके बाद बड़े गेंदबाज से भुवनेश्वर कुमार, इन्होंने भी 4 ओवर डालकर 26 रन दिए और 2 बड़े विकेट निकाले। सबसे महंगे रहे हर्षल पटेल, जिन्होंने 4 ओवर में लगभग 50 रन दिए और सिर्फ 1 ही विकेट निकाले, लेकिन हर्षदीप सिंह ने 3 ओवर डालकर सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए, जिसके चलते भारतीय टीम ने 13 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 145 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर, जिसके चलते 13 रनों से भारतीय टीम ने शानदार मुकाबला जीत लिया। दोस्तों दोनों ही टीमें काफी ज्यादा शानदार थी, जिसमें भारतीय टीम में काफी सारे बड़े बदलाव हुए थे। दोस्तों ये रही भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11। भारतीय टीम में विराट कोहली रेस्ट पर थे, केएल राहुल रेस्ट पर थे, जिसके चलते ऋषभ पंत ओपनर बनकर आए थे। इसी के साथ भारतीय टीम ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को 13 रनों से हरा दिया है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की 52 रनों की तूफानी पारी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया इस वार्म अप मैच में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें।
200 अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। 200 दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को 7 विकेटों से हरा दिया है। 200 समरी की अगर हम बात करें तो उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 278 रन लगा दिए थे साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत में तो विकेटें गई, लेकिन मध्य क्रम में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की तूफानी पारियों ने साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले से बाहर फेंक दिया। 200 ईशान किशन ने इस मुकाबले में 93 रनों की धाकड़ पारी खेली। 84 गेंदों में 7 छक्के और सिर्फ 4 चौके लगाकर श्रेयस अय्यर की नाबाक पारी ने रोंगटे खड़े कर दिए। श्रेयस अय्यर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के ओडीआई करियर का दूसरा शतक लगा दिया, जहां उन्होंने 113 रनों की बेहतरीन पारी खेली 111 गेंदों में 15 चौके लगाकर। उनके साथ संजू सैमसन ने 30 रनों की नाबाक पारी खेली, जिसके चलते मात्र 45वें ओवर में ही भारतीय टीम ने 7 विकेटों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला ईशान किशन और श्रेयस अय्यर द्वारा। दोस्तों इसी के साथ श्रेयस अय्यर को उनकी 113 रनों की नाबाक पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड दिया गया ईशान किशन को, जिन्होंने इस मुकाबले में 7 छक्के लगाए थे। इसी के साथ ये सीरीज के 2 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। एक मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीत लिया, एक मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया और ये सीरीज अब 1-1 से लेवल हो चुकी है। अब सबकी नजर होगी आने वाले मुकाबलों पर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम ये सीरीज जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दे जाएं। भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा ओडीआई मुकाबला हो चुका है समाप्त। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट। लेकिन आप भी श्रेयस अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों केशव महाराज नए कप्तान बने थे साउथ अफ्रीका के, क्योंकि थेम्बो बुआमा चोटिल थे। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीता और बल्लेबाजी को चुना पिच को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। मोहम्मद सिराज की जिंदा आती गेंद इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए क्विंटन डीकॉक। दोस्तों क्विंटन डीकॉक मात्र 15 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बाद जन मना मिलान भी 25 रन बनाकर इस तरह से हो गए LBW आउट। ये रिव्यू भी लिए थे लेकिन रिव्यू इन्हें बचा नहीं पाया। 200 जनमन मिलान 25 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते आउट हुए, लेकिन उसके बाद से नंबर 3 के बल्लेबाज रीजा हेनरिक्स और मार्करम ने तूफानी बल्लेबाजी की। सबसे पहले इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया रीजा हेनरिक्स ने। 200 रीजा हेनरिक्स ने इस मुकाबले में 74 रनों की पारी खेली। तब ये सिराज की इस गेंद पर पुल शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े शहबाज अहमद को कैच दे बैठे। 74 रनों की पारी खेल 76 गेंदों का सामना करते रीजा हेनरिक्स आउट हुए। उनके साथ तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे आदम मार्करम। 200 इन्होंने भी देखते अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया, लेकिन ये भी 79 रन लगाकर वॉशिंगटन सुंदर की इस गेंद पर सामने खेल बैठे और एग्जैक्ट सामने ही शिखर धवन ने इस तरह से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते एडम मार्करम भी आउट हुए। 79 रन लगाकर एडम मार्करम एक अच्छी पारी खेल कर आउट हुए। 200 इनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे हेनरी क्लासन, डेविड मिलर ने तो 35 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन उनके साथ इस तरह से आउट होकर रह गए हेनरी क्लासन। 200 आप सभी को बता दें हेनरी क्लासन भी कुलदीप यादव की गेंद पर सिराज को कैच दे बैठे। 30 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते आउट हुए। अंत में महाराज 5 रन बनाकर आउट हो गया और पार्नेल 16 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके चलते अपने निर्धारित 50 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 278 रन लगा दिए थे और भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए 279 रन लगाने थे 50 ओवर में। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी हमारी भारतीय टीम। भारतीय टीम की शुरुआत की बात कर लेते हैं। भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। 200 इस तरह से आउट हुए पार्नेल की गेंद पर शिखर धवन, कप्तान धवन मात्र 13 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते पार्नेल के आरोप बोल्ड हुए। उनके ठीक बाद शुभमन गिल भी हड़बड़ाहट में। रबाड़ा की इस गेंद पर एस जे बैठे अपने बल्ले का इस तरीके से और सामने ही रबाड़ा ने इस तरह से कैच लपक ली, जिसके चलते इस तरह से आउट हुए शुभमन गिल 28 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते हुए। लेकिन भारत की तरफ से आज नया उभरता बल्लेबाज आया, जिसका नाम था ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। दोनों के बीच में एक ऐसी साझेदारी हुई जिसने पूरे साउथ अफ्रीका के रोंगटे खड़े कर दिए। 200 एक और बार तूफानी बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर के साथ ईशान किशन ने और तूफानी अर्धशतक लगाया। 200 तूफानी बल्लेबाजी करते करते ये 53 रन तक पहुंच चुके थे और मात्र 7 रन दूर थे अपने शतक से। तभी फॉर्ट्यूनी की इस गेंद को छक्का लगाने की चाह में बड़ा शॉट तो खेल बैठे, लेकिन बाउंड्री पर रीजा हेनरिक्स आ गए और सेंचुरी के सपने टूट गए ईशान किशन के। भारतीय टीम को 99% मुकाबला जिताकर ईशान किशन आउट हुए। 93 रनों की पारी खेल 84 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन उसके बाद भी ईशान किशन के आउट होने के बाद भी श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की कमान छोड़ी नहीं और भारतीय टीम को जीत की पटरी पर वापस लेकर आ गए और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने ऐसा कारनामा किया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 200 जो साउथ अफ्रीका बड़ा सा बड़ा बल्लेबाज नहीं कर पाया वो किया श्रेयस अय्यर ने, लगा दिया अपना शतक। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने पूरा किया अपना दूसरा ओडीआई का शतक, जिसके चलते भारतीय टीम ने शानदार तरीके से मुकाबला 45 ओवर में ही जीत लिया 7 विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन ने 30 रनों की नाबाद पारी खेली अय्यर के साथ और श्रेयस अय्यर ने 113 रनों की नाबाद पारी खेली इस मुकाबले में 111 गेंदों में, जिसके चलते भारतीय टीम ये 7 विकेट से मुकाबला जीत चुकी है और 1-1 से लेवल हो चुकी है सीरीज। दोस्तों आप श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और भारतीय टीम को अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा ओडीआई मुकाबला। पहले ओडीआई मुकाबले की बात करें तो पहले ओडीआई मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 9 रनों से हरा दिया, क्योंकि भारतीय टीम में कई ऐसी गलतियां हुई जिसके चलते भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज
बल्लेबाज थे डेविड मिलर और उनके विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरी क्लासन। दोस्तों पिछले मुकाबले में जब साउथ अफ्रीका पहले पहले बाजी करने उतरी थी तो इस मुकाबले में हेनरी क्लासन ने 74 रनों की नाबाद पारी खेली थी 65 गेंदों में और डेविड मिलर ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली थी 63 गेंदों में, जिसके चलते बारिश के कारण 40 ओवर का मुकाबला था, फिर भी 250 रन साउथ अफ्रीका ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। भारतीय टीम